खबर का रुख करेंगे रायपुर से। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जहां पर सिमी का फरार आतंकी असदुद्दीन उर्फ अजहर हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। रायपुर पुलिस आरोपी को लंबे वक्त से तलाश कर रही थी, गिरफ्तार कर राजधानी लेकर आई है। पिछले 6 साल से ये फरार था। आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी के हैदराबाद आने की जानकारी पर आपको बता दें कि पुलिस गुरुवार को रवाना हुई थी एटीएस और सिविल लाइन पुलिस की टीम। हेमंत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, कितनी बड़ी कामयाबी इसको माना जाए? देखिए, काफी बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले 6 साल से जो सिमी का आतंकी है अजहरुद्दीन वो फरार चल रहा था और इस पर यह आरोप उस समय लगा था जब पूरे मामले का मैं बता दूं 2013 में भंडाफोड़ हुआ था और उस समय 5 से 6 जो सिमी के आतंकी है वो पकड़े गए थे, लेकिन उसी दौरान जो अजहरुद्दीन था वो फरार हो गया था। इसके ऊपर ये आरोप है कि ये सिमी के आतंकियों के लिए मीटिंग का आयोजन करता था। इसके अलावा जिस तरीके से मालेगांव बोधगया में ब्लास्ट की गई थी आतंकियों द्वारा, तो उसको पनाह इसके द्वारा दिया गया था। लगातार ये फरार चल रहा था और फरार होने के बाद ये सीधे सऊदी अरब चला गया था और सऊदी अरब में ड्राइवर का काम वहां पर कर रहा था। हैदराबाद में इसका परिवार रहता है और लगातार कई बार वो वहां पर आता था। कैसे इनपुट्स मिले ये कि ये हैदराबाद पहुंचा है, फिर राजधानी की पुलिस हैदराबाद जाती, वहां से गिरफ्तार करके इसको लेके आती, इनपुट्स कहां से मिले? देखिए, जो हैदराबाद पुलिस है वही से ये रायपुर पुलिस और जो एटीएस की टीम है उनको इनपुट्स मिले थे और हैदराबाद में उनका परिवार था और पहले से ही इसकी जानकारी रायपुर पुलिस और एटीएस को थी। पिछले बार भी वो अपने परिवार से मिलने आया था, लेकिन उस दौरान जब एटीएस और रायपुर पुलिस की टीम हैदराबाद गई थी तो उस समय आरोपी गिरफ्त में नहीं आ पाया था, लेकिन एक बार फिर ये सूचना मिली कि आरोपी एयरपोर्ट के आसपास रुका हुआ है। इसके बाद तुरंत गुरुवार को शाम की फ्लाइट से हैदराबाद एटीएस और रायपुर पुलिस की टीम पहुंची और तत्काल मौके पर जाकर इनपुट्स के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। अभी उसको मीडिया के सामने पेश किया गया है। पुलिस 2 दिन का रिमांड लेने की कोशिश करेगी क्योंकि कई सारे पूछताछ उससे करना है और इसके अलावा वो इसका काम वही रहता था कि ये संगठन के लिए काम करता था और एक तरीके से देखा जाए तो एक सदस्य के रूप में ये सम्मिलित था। एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले 6 साल से लगातार एटीएस की टीम और रायपुर पुलिस की टीम इसकी तलाश कर रही थी इस पूरे कार्यक्रम को और इस पूरे कार्रवाई को जो एटीएस की हेड है दीपमाला कश्यप वो लीड कर रही थी। इसके अलावा रायपुर पुलिस की ओर से जो सिविल लाइन के एसपी हैं त्रिलोक बंसल वो इस टीम को लीड कर रहे थे। इन्होंने कई दौरान हैदराबाद में छापा भी मारा था लेकिन आरोपी हर बार बच के निकल रहा था और ये इनपुट भी मिले थे कि सऊदी अरब वो गया हुआ था, सऊदी अरब भी जाने की कोशिश वहां पर की गई थी, लेकिन और उससे पहले ही आरोपी हैदराबाद पहुंचा और हैदराबाद से गिरफ्तार करने में सफलता पुलिस को मिली है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।